अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो टेस्ट होने वाला है, इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया कि प्रोफेशन टेस्ट होने वाला है सबका, तो ये टेस्ट जो है वो किस बेसिस पे होगा, आपका जो इकामा प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट होगी या फिर जो आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग, ये सबसे बड़ा सवाल और टेंशन बनी हुई है लोगों में इस वक्त कि टेस्ट तो होगा, चलो कोई बात नहीं, टेस्ट हम दे लेंगे, बट ये टेस्ट होगा कैसे, जो काम करते हैं उस पर टेस्ट होगा या फिर जो हमारा इकामा है, जो हमारा इकामा प्रोफेशन है उस पर होगा। और इस पर रूमर्स भी है बहुत लोगों में, बहुत से लोगों में रूमर्स है और बहुत लोग रूमर्स के चलते काफ़ी परेशान रहते हैं। और मैं जो भी आप लोगों के सामने वीडियोज़ रखता हूँ, सारे वीडियोस ऑथेंटिक रहती है मेरी, मैं पहले प्रॉपर उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, प्रूफ कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों तक शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो किस बेसिस पे होगा, इकामा पे या जो आप काम कर रहे हैं उस पर। क्योंकि ये बात सच है, इकामा का जो मिसमैच है ये बहुत ज़्यादा है लोगों में, बहुत से लोगों का एक्चुअल इकामा नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है और बहुत सारे कंपनी को इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है ऑलरेडी कि जो बंदा जो काम कर रहा है वही इकामा होना चाहिए, तो देखते हैं कब तक ये सारा कुछ करेक्शन होता है कंपनी के हाथ में, ये कब वो करेक्शन करके देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट होने वाला है, जो भी आपका प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट होगा, वो आपका काम के अकॉर्डिंग होगा, ना के इकामा के अकॉर्डिंग। सो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप जो काम करते हैं उसी पे आपका ये टेस्ट होने वाला है। अगर आपका इकामा गलत दिया हुआ है तो कंपनी उस पे या तो करेक्शन करेगी या फिर आपका जो अपॉइंटमेंट बुक करेगी कंपनी, उस समय आपका जो जॉब प्रोफेशन है जिस पे आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग वो आपका अपॉइंटमेंट लेगी। क्योंकि ये टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना और उसका जो पेमेंट पे करना है वो कंपनी को सौंपा गया, इसका जिम्मा कंपनी को दिया गया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है कि वो आप जो काम करते हो उस पर अपॉइंटमेंट ले और उसके बाद वो जो फीस है वो पे करके आपको टेस्ट के लिए भेजे। क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो वर्कर है वो इस टेस्ट में फेल हो जाए, फेल हो के यहाँ से चला जाए, ऐसे में कंपनी भी नहीं चलेगा ना। तो कंपनी भी ये चाहेगा कि मेरा जो बंदा है, मेरा जो वर्कर है, वो ये टेस्ट में पास हो जाए। और कोई भी बंदा टेस्ट में पास तभी हो सकता है जब उसे उसके जॉब के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग उसे टेस्ट लिया जाए। अब मैं एग्जांपल अगर दूं, बहुत सारा ऐसा मेरा दोस्त लोग है जो काम करता है मैकेनिकल का, बट उनका इकामा है एसी का, किसी का इलेक्ट्रिकल का। ऐसे ही मेरा और भी दोस्त है जो काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट उनका जो इकामा है वो कारपेंटर का है, किसी का प्लम्बर का है। उसी तरह मेरा बहुत सारा दोस्त है जो काम करता है कारपेंटर का, प्लम्बर का, बट उनका जो इकामा है वो इलेक्ट्रीशियन का है, किसी का जनरल इलेक्ट्रीशियन का। तो अगर उनको इकामा के हिसाब से टेस्ट देना पड़े, कंपनी अपॉइंटमेंट ले प्रोफेशन जो इकामा पे उसके अकॉर्डिंग, तो उनको बहुत दिक्कत होगा, 99% चांस है कि वो फेल हो जाएगा। तो बंदा कोई भी जो टेस्ट देगा अपने जॉब के अकॉर्डिंग टेस्ट देगा। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, सबसे लास्ट का जो सेंटेंस है एक्चुअली अरबिक में है, और सॉरी मैं अरबिक उतना बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, थोड़ी वीक है मेरी अरबिक। आप ये देख सकते हो अरबिक में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने इसको ट्रांसलेट किया गूगल में, ट्रांसलेट करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, या फिर जिसकी अरबिक अच्छी है आप पढ़ के इसको आप समझ सकते हो। मैंने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द प्रोफेशनल वर्कर possesses the skills necessary to perform the profession in which he works, यानी जिस पे वो काम कर रहा है जो भी बंदा, उस पे उसको टेस्ट देना है, उसका स्किल चेक होगा उस पे। उसके बाद लिखा हुआ नीचे में by performing test in his field of specialization, जो फील्ड में वो काम करता है, जिस पे उनका स्पेशलाइजेशन है उस पे उनको टेस्ट दे के ये प्रूफ करना होगा कि वो ये टेस्ट को पास कर रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आप जो जॉब करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। तो नर्वस होने की या रूमर्स पे ज़्यादा
तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह सब कोई बहुत अच्छे से टेस्ट पास करोगे, बस कॉन्फिडेंट रहो और उसकी तैयारी करो। और जबकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपको 3 बार चांस मिलता है टेस्ट में पास होने का, फिर से आपको टेस्ट देने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टेस्ट में किस तरह से आपको पैसे पे करना होता है। आपको तो पे करना नहीं है, कंपनी को पे करना है, कंपनी अपॉइंटमेंट लेगी, कंपनी ही पैसे पे करेगी, उसके बाद कंपनी ही आपको भेजेगी। तो कंपनी को कितना पैसा पे करना है, कौन सा टेस्ट के लिए कितना पेमेंट करना है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि एक ही वीडियोस में अगर मैं सारे टॉपिक्स को कवर करता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग भी बोर हो जाते हो और मैं भी ज़्यादा बोलने में कुछ गलती कर देता हूँ, फिर से मुझे दोबारा वीडियो शूट करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो सबसे बड़ा डाउट था आप लोगों में कि टेस्ट जो होने वाला कैसे होगा, ये क्लियर हो गया। और आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया भी स्क्रीन पे, सो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तैयारी कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आप सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, आप लोग बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हो जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोगों का हेल्प करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों का हेल्प करता रहूँगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप लोग खुद से सपोर्ट करते हो, मुझे बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।